Hello everyone. Now we are going to start importance of production. Importance क्या होती है production की? ठीक है, production की importance क्या होती है हम पढ़ेंगे. पहला है economic development. ठीक है, first क्या है? Economic development. ठीक है, देखो जैसे हम production करते हैं, हमारा कोई भी plant है या फिर हमने कोई भी plant को open किया. ठीक है, हमने कोई भी plant open किया और हम उसमें production करते हैं, तो उससे क्या होता है? Production करते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोगों को बिजनेस रोजगार मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो उन वो लोग बेरोजगार नहीं होते हैं, फिर उनको रोजगार मिल जाता है और फिर उनका यदि उनके पास पैसे आने लगते हैं या सैलरी आने लगती है जब रोजगार मिल जाता है, तो फिर उनका क्या होता है? एक डेवलपमेंट हो जाता है. ठीक है, उनकी फैमिली का डेवलपमेंट हो जाता है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है. तो इससे क्या होता है, जब एक एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, तो इससे क्या होगी? इकोनॉमी डेवलप. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? प्रोडक्शन. इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इससे क्या होता है? इकोनॉमी हमारी डेवलप हो जाती है. ठीक है, फिर है सेकंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्लांट ओपन करते हैं, कोई भी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम ओपन करते हैं, तो वहां पर क्या एक व्यक्ति से काम हो जाता है? एक व्यक्ति सारे काम को मैनेज कर लेता है? प्लांट है बहुत बड़ा, तो वहां पर एक व्यक्ति कैसे मैनेज कर सकता है हर चीज को? वहां पर क्या होना क्या होता है? बहुत सारे एम्प्लॉयज होना जरूरी है, वर्कर्स का होना जरूरी है, लेबर का होना जरूरी है. जब इतने बड़े पैमाने का कोई भी प्लांट है, बहुत बड़े पैमाने पर जब कोई भी प्लांट है, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है. हर व्यक्ति के अलग अलग काम होते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वो अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर कोई देखरेख करता है. ठीक है, कोई मैनेजर होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, कोई लेबर होता है. तो क्या होता है, वहां पर हर तरह से अलग अलग एम्प्लॉयज, अलग अलग वर्कर्स होते हैं. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जब प्लांट होता है तो वहां पर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है. जब बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, तो उससे जब हम बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो उनको एक रोजगार मिल जाता है. ठीक है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है उनको जॉब करने की या फिर पैसे कमाने के लिए. ठीक है, तो वहां पर उनको क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सेकंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इससे क्या होता है, जब हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, तो उससे क्या होगा? उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. ठीक है, मतलब अच्छे से रहन सहन होगा, खान पान अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी डेवलप होगी. फिर सेकंड क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जब कोई भी नए प्लांट होंगे, प्रोडक्शन होगा, तो वहां पर नौकरियां निकल निकल कर आएंगी और सब लोग उनको ज्वाइन करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज होगी जॉब के लिए. थर्ड है डिग्निटी ऑफ लेबर. ठीक है, क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर. थर्ड पॉइंट क्या हुआ इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन का? डिग्निटी ऑफ लेबर. फिर फोर्थ क्या है? लेवल ऑफ लिविंग. ठीक, लेवल ऑफ लिविंग मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा. यदि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, यदि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनसे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि पैसे की जरूरत है पूरा करने के लिए. लेकिन यदि वो ज्वाइन कर लेंगे, कहीं पर जॉब करने लगेंगे या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनको, तो उससे उनके पास पैसे आने लगेंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये होता है लेवल ऑफ लिविंग. ठीक है, वो अपना क्या करेंगे, रहन सहन अच्छा कर लेंगे, खान पान अच्छा हो जाएगा उनका, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगेंगे. ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे आते जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या होता है, लेवल ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा. फोर्थ पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? लेवल ऑफ लिविंग. ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है, फिर इट मेक्स अ नेशन एडवांस. अब हमारी तीन तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलप होती है, मतलब जैसे कि एक होता है डेवलप्ड, एक होता है डेवलपिंग और एक होता है अंडर डेवलप्ड. ठीक है, तो एक होता है डेवलपिंग, मतलब हमारी जो नेशन है वो डेवलपिंग हो रहा है, मतलब वर्किंग प्रोसेस, मतलब डेवलपिंग चल रही है. और एक होता है डेवलप्ड. डेवलप्ड मतलब क्या होता है, कि डेवलप हो चुका है. ठीक है, और अंडर डेवलप मतलब डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इट मेक्स अ नेशन एडवांस. इससे क्या होता है, ये इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी जब जॉब की, तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा. ठीक है, जब रोजगार मिलेगा तो कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा नेशन एडवांस्ड हो जाएगा. ठीक है, हमारा नेशन एडवांस्ड हो जाएगा. फिर सिक्स्थ क्या है, बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. इससे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, इससे क्या होता है, बिजनेस बढ़ते हैं.
बिजनेस का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यदि हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी प्लांट को ओपन करते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। फिर होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, फिर लेवल ऑफ लिविंग, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, ठीक है। फिर होता है इट मेक्स अ नेशन एडवांस्ड, इससे क्या होता है हमारा नेशन एडवांस होता है, ठीक है। अब नेशन एडवांस कैसे होता है, जैसे हम देखते हैं कि पहले क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा ना, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ठीक है। तो इससे क्या होता है इट मेक्स अ नेशन एडवांस। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री में लगाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से इम्प्रूवमेंट करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है इट मेक्स अ नेशन एडवांस। फिर होता है सिक्स, बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जब कोई भी न्यू प्लांट ओपन होते हैं उसमें प्रोडक्शन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, डेवलपमेंट होता है, तो इससे क्या होता है हमारा बिजनेस भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट का, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर सेकेंड होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर थर्ड होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, फिर फोर्थ होता है लेवल ऑफ लिविंग, फिर फिफ्थ होता है इट मेक्स अ नेशन एडवांस, फिर सिक्स्थ है बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकेंड हुआ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, थर्ड हुआ डिग्निटी ऑफ लेबर, फिर फोर्थ हुआ लेवल ऑफ लिविंग, एंड फिफ्थ हुआ इट मेक्स अ नेशन एडवांस, एंड द लास्ट इज बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और आना भी चाहिए आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक लेक्चर 5 कंप्लीट होता है प्रोडक्शन के। नेक्स्ट हम मूव करेंगे लेक्चर 6 में और आगे प्रोडक्शन का चैप्टर।